हमारा सेंट जेवियर चेन ऑफ स्कूल। तो हम जा रहे हैं आज के ओनर सुनील पाल जी से मिलने के लिए। उनकी 5 ब्रांचें हैं और अभी हम उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, बातें पूछने जा रहे हैं, उनसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, आपको मिलाते हैं उनके साथ और शेयर करते हैं उनके व्यू आपके साथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा हम आपको बाहर बता रहे थे, हम आए हुए हैं सेंट जेवियर में और अभी हम हैं कन्नौज में सेंट जेवियर में और बैठे हैं सुनील भैया के साथ में, सुनील कुमार जी के साथ में। और भैया सर ने टाइम लिया कि भैया के बारे में जाने, उनकी जर्नी के बारे में जाने और कैसे इन्होंने सिचुएशन को मैनेज किया, अब स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं और आगे कैसे सोच रहे हैं। तो थैंक यू भैया कि आपने टाइम दिया। और हमारा आपसे मिलने का ये पर्पज़ था भैया कि एक तो सबसे पहले ये जाने कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके, चूँकि 5 ब्रांचें हैं, करीबन 6,500 बच्चे हैं, 400-500 टीचर हैं, और कैसे आप मैनेज करके इतना कुछ हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इन चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। मैंने अपना एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद कुछ करने की सोची, तो उस दौरान मैं घर पे भी आया और बड़े भैया से मिला जो इस प्रोफेशन में पहले से ही हैं, राकेश पाल जी, और हरदोई में वो ब्रांच बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, सीबीएसई स्कूल्स हैं सारे। तो मैं उनके पास आया और उनसे बात की कि कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। या तो पहले तो मेरे मन में ये था कि मैं कुछ नया करूँ, तो मैंने टेक्सटाइल के लिए कुछ सोचा था। तो उसके लिए बड़े भाई ने कहा कि पहले घूमो टहलो, थोड़ा देखो, प्लान करो कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, क्या इसके प्लस है, क्या नेगेटिव है। तो उन्होंने कहा तो मैं थोड़ा टहला। उस दौरान उनके मेंटर और गुरु भी समझिए और बड़े भाई की तरह समझिए, एस पी आनंद साहब से मुलाकात हुई और वो दोनों लोग साथ ही थे, हरदोई में थे। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे हो और कोई बात नहीं, तुम अगर इस प्रोफेशन में ही आते हो तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हें अपने बड़े भाई की पूरी हेल्प मिलेगी और तुम उनको भी अच्छे से हेल्प करते हो। तो फिर बात आई कि पहले इसको सीखा जाए, इस प्रोफेशन को जाना जाए कि इसको कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत छोटा था तभी से मैं उनको देखता था, जो मैं उन्हीं के साथ रहता था, तो इसलिए इस प्रोफेशन को बड़े करीब से देखा था, इसलिए संघर्ष कितना है और मजा कितना। तो उसको और करीब से जानने के लिए उन्होंने कहा कि स्कूल ज्वाइन करो। तो फिर बात आई कि स्कूल ज्वाइन करेंगे तो एक होता है कि मैनेजर का भाई वो एज एम्प्लॉय उस स्कूल में एडजस्ट नहीं हो सकता, एक गैप होगा जी, जी। तो जो बारीकियां सीखनी है वो तो नहीं सीख पाओगे जी, बाकी आप एक मैनेजर गॉड गिफ्टेड हो जाओगे वो एक अलग बात होगी। तो फिर उन्होंने सलाह दी, तो उनके मित्र हैं संदीप जायसवाल जी, उनका स्कूल था मिर्जापुर में और वो 80-85 बच्चों का स्कूल था। जिस वक्त मैं वहाँ गया उस वक्त प्रिंसिपल हुआ करते थे अमित कुमार झा जी, जो आज बनारस के ओनर हैं, बनारस से जेवियर्स के। तो उनके प्रिंसिपलशिप में मैंने उस स्कूल में एज ए जूनियर अकाउंटेंट स्टार्ट किया। काफ़ी वक्त बीता, बहुत सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी, छाती से ही, और जो भी क्रिएटिविटी आज की डेट पर मैं जानता हूँ एकेडमिक्स से रिलेटेड या नॉन एकेडमिक से, उसमें एक बहुत बड़ा रोल सेंट जेवियर्स मिर्जापुर का है। वजह क्या रही कि मन नया था, उमंग था, शरीर में कुछ जोश था जी, और साथ में जो मेरे उस समय कॉलीग्स थे प्रशांत जायसवाल, वो उसी स्कूल के आज प्रिंसिपल हैं। प्रशांत जायसवाल तो हैं, एक प्रिंसिपल हैं और दूसरे आजमगढ़ के डायरेक्टर, वो दोनों अलग अलग दोनों। तो प्रशांत से सारी चीज़ें एकेडमिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी वो झाजी से सीखी, चाहे वो टाइम टेबल मेकिंग कर रहा हो, कुछ भी। शाम को अक्सर वो मुझे अपने साथ रखते थे और बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। नॉर्मली पूरे स्टाफ को ये नहीं पता था कि मैं कहीं भी डायरेक्टरशिप में जुड़ा हुआ हूँ या मैनेजमेंट का मैं पहले भी मैं पार्ट हूँ, और मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह वहाँ काम किया सभी के साथ। कई सालों बाद, 2-3 सालों बाद लोग जान पाए कि मैं राकेश जी का भाई हूँ, तब तक ये बातें केवल मैनेजमेंट के लोग ही जानते थे। उसके बाद मैं अपने आप को और अपडेट करने के लिए उसमें बनारस ब्रांच खुल रही थी,
तो उस समय मुझे कहा गया कि अगर उस ब्रांच में जाके सीखो नया स्कूल कैसे खुलता है, उसको सीखने का मौका मिला। तो बनारस में सबसे पहले आए हम लोगों ने, हमारे बॉस शशि जी जो थे वो थे साथ में, उन्होंने कहा कि जिस दिन ये स्कूल ओपन हो उस सुबह के साथ मुझे हर तरफ सिंहदेवगढ़ दिखना चाहिए। तो बात नहीं समझ में आई कि इतना बड़ा शहर और सिंहदेवगढ़ दिखेगा कैसे। तो हमने पूछा सर ये होगा कैसे, तो उन्होंने कहा कि एडवर्टीजमेंट आप प्लान करो वो इस तरीके से प्लान करो कि व्यक्ति गली में निकले तो भी सिंहदेवगढ़ को जान ले, उस दिन न्यूज़पेपर पढ़े तो भी सिंहदेवगढ़ को देखे, रोड पे आ जाए तो हमारी बसेस दिख जाए, और भी जो भी होर्डिंग्स हैं जो भी सारी चीजें थे। तो उस दौरान एक स्लोगन हमने बनाया था कि करीब 56 स्कूल, इतने थाउजेंड स्टूडेंट्स, इतने टीचर्स और एक नाम सिंहदेवगढ़। तो एक ये बहुत मतलब पॉजिटिव स्लोगन था और बार बार हम लोग को एनर्जी भी देता था, जब हम लोग होर्डिंग्स पे स्लोगन को देखते थे तो प्राउड महसूस करते थे कि सिंहदेवगढ़ के पार्ट। और उस समय बी दास गुप्ता प्रिंसिपल हुआ करते थे, रही सही एकेडमिक की जो कसर थी वो उनके साथ मैंने सीखी, उनके हस्बैंड थे दास गुप्ता सर, मैथ्स के अच्छे टीचर्स थे, तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ सीखी। और मैं कहूँगा कि अमित झा सर से जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है उसको और जो भी मैंने अपने बचपन की स्कूलिंग की है दोनों को मैं क्लब करके अपना स्कूल चलाता हूँ। इसी दौरान मैं शाहजहाँपुर आया, शाहजहाँपुर में ब्रांच ओपन करने के लिए कोशिश करने लगा, फिर फर्रुखाबाद पहुँचा और फर्रुखाबाद ऑलमोस्ट डन भी हो गया था कि यहाँ पर ब्रांच ओपन हो जाए, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी बनी कि मैं एक दिन के लिए पॉज लेके कहीं आके सोचना चाहता था कि यहाँ पर डिसीजन सही है या नहीं। उस दौरान मैं कन्नौज आया तो मैंने हिस्ट्री में ही कन्नौज को पढ़ा था, उसके बाद से मुझे कुछ नहीं पता था, वो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की वजह से मैं कन्नौज को जानता था और राजा हर्ष की वजह से, बाकी कोई रीज़न नहीं था कि मैं कन्नौज को क्यों जानूं या मेरे आसपास है ये भी मैं नहीं जानता। तो मैं यहाँ रात में रुका, कुछ लोगों से मिला, फिर मैंने शहर को पूरा पैदल गया, पहल के देखा तो एजुकेशन के मामले में काफ़ी पीछे था। उस दौरान कोई भी यहाँ सीबीएसई स्कूल नहीं हुआ करता था, केवल छिपरामऊ में एक स्कूल था कन्नौज हेडक्वार्टर पर, कोई भी स्कूल नहीं था। तो मैं कुछ लोगों से मिल के फिर यहाँ पर मैं लगा, धीरे धीरे मैंने ये एक बिल्डिंग पहले इसको बनवाया, इसको बनाने के बाद मैं यहाँ पे प्ले ग्रुप टू क्लास एक स्कूल को रन किया। रन करने के साथ मैं पहले साल 280 बच्चों के साथ मैंने रन किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष था यहाँ पर क्योंकि मेरे सामने एक बड़ा ब्रांड आ चुका था जागरण, उसकी चमचमाती बिल्डिंग से हमारी छोटी सी बिल्डिंग को कंपटीशन लेना था, लेकिन मैं अपने एकेडमिक्स गोल को सेट करता चला गया और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और फिर मैं स्कूल सीबीएसई प्लस टू हुआ 2012 में, और फिर जो है सक्सेस रेट अपने आप बढ़ने लगा क्योंकि प्लस टू का जब और टेंथ का जब रिजल्ट आता था तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर रहने का गौरव मिलता है हमारे बच्चों के। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहे जिनमें हमारे बच्चों ने समय समय पर हमको आगे रखा है, और इसमें गार्जियंस का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। मैं अपने सबसे ज़्यादा उन 50 गार्जियंस को सबसे पहले थैंकफुल रहूँगा लाइफ में जिन्होंने मेरे पे भरोसा करके अपने बच्चों का दाखिला कराया, क्योंकि 32-33 साल की मेरी उम्र थी, इतने कम उम्र के लड़के के ऊपर उन्होंने अपने पूरे भविष्य को दांव पे लगा के भरोसा किया था, तो उनके भरोसे को मैं तोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जो प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म देके जो मैंने उनको सपने दिखाए थे उसको पूरा करना चाहता था ताकि उन्हें ये ना लगे कि कोई भी उनके साथ झूठ साबित हो। और मैं बहुत खुश रहता हूँ कि जब मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक अच्छी मेहनत की और एक अच्छी पहल की और उसका अच्छा नतीजा है, जो भी बच्चे आज सेट हैं वेल सेटल हैं वो आते हैं मिलने तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया किया। और मन में यही था ग्रेजुएशन के टाइम से कि कुछ अलग करूंगा और कुछ अच्छा करूंगा, तो उस कड़ी में मान के आप चलिए कि ये स्कूल मुझे एक अच्छी पहचान दिया, पूरे जनपद में एक अच्छी सहूलत दी है, और जीवन में यही रहेगा कि जब तक इस सीट पे रहूं, जब तक भी मैं इस पर काम करूँ स्कूल पर कोई दाग ना लगे, और एकेडमिक्स में मैं अच्छे से अच्छे आयाम सेट करता रहूँ, ये सारी चीज़ें। मतलब इतने अच्छे से आपने बताया चीज़ों को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने वो बताई कि कैसे
आपने मतलब ऐसे एम्प्लॉय शुरू किया सीखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सही चीज है कि अगर आप ओनर बन के सीखेंगे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर ऐसे एम्प्लॉय अगर आप कहीं कुछ सीखते हैं तो एक एक बारीकियाँ समझ सकते हैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से। बट अभी जैसे मेरा सिचुएशन चूंकि अब एकदम बदल गई, पहली बार सबने लाइफ में ये सिचुएशन देखी, और अब चूंकि स्कूल खुलना शुरू हो रहे हैं और आने वाले टाइम पे उम्मीद है कि 1-5 भी खुल जाएगा, 6-7 जैसे ऑलरेडी खुल गया है, तो कैसे सोच रहे हैं आने वाले टाइम पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए? देखिए, इस कोविड के दौरान सबसे पहले सारी चीज़ों पर विराम लगा जी, तो पहले तो यही लगा कि मैं रोज सुबह 7:30 बजे एम्प्लॉई की तरह, मैनेजर तो कभी बन ही नहीं पाया, एज एम्प्लॉई मैनेजर की तरह मैं भी स्कूल आ जाता हूँ और देर शाम तक यहाँ काम करता हूँ, चाहे वो पेरेंट्स से मिलने का हो, चाहे वो एकेडमिक्स में मेरा इंटरफेरेंस रहता हो, जो भी। तो सबसे पहली बात ये होगी कि इस कोविड में यही नहीं समझ में आया कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। उस दौरान कुछ स्कूल्स ने व्हाट्सएप पे चीज़ें शुरू भी कर दी थी और मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि शायद मेरा स्कूल पीछे ना रह जाए, तो उनकी भी क्वेरीज बहुत सारी आ गई थी। इस दौरान मेरे कोऑर्डिनेटर हैं जो सारे आईटी डिपार्टमेंट से सारे डिसीजन नहीं लेते हैं, तो उनको भी मैंने बुलाया घर पे और बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि सर व्हाट्सएप का डेटाबेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि आईटी और नीट और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए उन्होंने ऐप तैयार कराया था, क्योंकि उनका गोल ये था कि लास्ट ईयर हम लोगों की जो आईटी जो सिलेक्शन रेट था बहुत अच्छा था, बच्चों का जो क्लास लेते हुए बच्चों ने डायरेक्ट सिलेक्ट हो गए थे और नीट में, तो उसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था स्कूल ऐप से बेस्ड, तो उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने फिर बड़ा किया, उस प्लेटफॉर्म के चलते उन्होंने सारे चीज़ों को एकेडमिक्स में शामिल करना शुरू किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मेरे एम्प्लॉइज थे और आज भी हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनको कैसे सेटल किया जाए। कारण ये था कि बिना सैलरी के उनका घर कैसे चलेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये था आया मन में कि जब काम नहीं है तो मना कर देते हैं, कुछ लोगों को लेके साथ चलते हैं, 2-3 बार मन में ऐसी बात आई कि कुछ लोगों को हटा देते हैं, तमाम जगहों पे लोग हटा रहे थे, उनको भी देखा सुना एग्जाम्पल, लेकिन मन में ये हो नहीं पाया, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया कि मैं कैसे उनको बुला के या एक मैसेज के थ्रू कह दूँ कि कल से आपके हमें ज़रूरत नहीं है, जबकि इस बरगद को लगाने में उनका बहुत बड़ा रोल था, कोई 10 साल से मेरे साथ था, कोई 12 साल से मेरे साथ था, आज ये स्कूल अपने आप में इस्टेब्लिश है, मैं उनकी बदौलत एक पहचान मुझे मिली हुई है, और मैं कैसे उनको मना कर दूँ। तो फिर हम लोगों ने सभी से बात की, बात करने के बाद कॉन्फ्रेंस में बात हुई, सभी से मैंने कहा कि पहले तो हम जीने के लिए कोशिश करते हैं, हम उतना कमाते हैं पहले कि जितने से हम लोग जिया जाए। तो उस दौरान मेरे टीचर्स ने मेरी हर बात पर सहमति जता दी और कहा जो आप फैसला करेंगे वो बेहतर होगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी उन लोगों का दूंगा कि जो भी मैंने डिसीजन लिया चाहे उनसे पूछ के या बिना पूछे उन्होंने सहज स्वीकार किया और मेरा सहयोग किया। तो उस दौरान फिर हम लोगों ने एकेडमिक्स का पार्ट आया, तो ये देखते थे कि हम लोग 9-12 के बच्चों के लिए तमाम वीडियोज गूगल से शेयर कर रहे थे, यूट्यूब से इनके उनके लिखे, तो मैंने अपने टीचर से बात की कि क्यों ना आप अपनी वीडियो बनाएं। फिर बात आ गई कि ठीक है वीडियोज बनेंगे, इतने सारे गैजेट्स मंगाने होंगे, अभी लॉकडाउन है कैसे, तो हम लोगों ने किसी तरीके से कुछ गैजेट्स इकट्ठा किए और करके कुछ टीचर्स को क्लब करके स्टार्ट किया। तो आप हमारे सेंजेवियर्स कन्नौज का यूट्यूब पे देखेंगे तो हमारा अपना चैनल है, पूरे यूट्यूब पे वीडियोज क्लास PG-12 टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज एकदम क्लियर है, कैसे क्या काम करना है, स्कूल ने कैसे पढ़ाया है, गार्जियन उसको देख सकता है। दूसरी चीज है कि इस कोविड को भी मैं बहुत पॉजिटिव मान के चलता हूँ। पहली बात ये हुआ इस कोविड से एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है जो आईटी से रिलेटेड है। अब वो बच्चे जो किन्हीं कारणों से कभी स्कूल मिस कर जाएंगे आने वाले समय में, वो घर पे बैठ के अपने क्लासेस को लाइव देख सकेंगे, लाइव सुन सकेंगे, और जो हमने डेटाबेस बनाया है वो डिलीट भी नहीं होता, हमारा पूरा ऐप जो है उसके अंदर जो भी हमने पहले दिन एकेडमिक्स में पढ़ाया वो भी अवेलेबल, और जो आज पढ़ा रहे हैं वो भी अवेलेबल। तो ऑनलाइन क्लासेस तो रेगुलर चलने वाली हैं और चलेंगी। दूसरा, अब हमें किसी भी टीचर को क्लास में जाके मॉनिटर नहीं करना, ठीक है, पेरेंट्स को ये मॉनिटर नहीं करना पड़ता कि क्या टीचर्स ने हमारे बच्चों को पूरा अप्रोप्रिएट सारी चीजें दी हैं या नहीं दी हैं, तो कभी भी बच्चा उसे छूट नहीं बोल सकता।
था और उन अच्छे बच्चों को जो कुछ मिस कर जाते थे क्लास में भी पढ़ते समय और ना आने के कारण, उनके लिए भी एक बैकअप था। तो मैं तो इस कोविड के दौरान मैं मानूंगा कि जब जो भी बुरा समय आता है उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलता है, एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका मिलता है। तो मैं इस कोविड को भी मानूंगा कि ये चैलेंज आया था और हमने इसको भी पार कर लिया, क्योंकि दुनिया में हम भारतीयों से बेहतर कोई है नहीं, चाहे वो आर्यभट्ट की बात हो या चाहे जिसकी बात हो, तो कोई भी हमसे बेहतर था नहीं। भैया आखिरी की तरफ से ये पूछना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को, स्टाफ को, टीचर्स को, या जो भी व्यूअर इसको देखते हैं या जो भी बच्चे इसको देखते हैं? मैसेज मेरा ये है कि जब ये कोविड आया तो ये कठिन समय था अभिभावकों के लिए भी, स्कूल के लिए भी। इस दौरान मॉनेटरी एस्पेक्ट को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, कुछ द्वंद भी चले, मेरे भी सामने बातें आई, तो कुछ संघ यहाँ भी थे कन्नौज में भी, उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरा अभिभावक मेरा है और मैं उनका हूँ, पहले हम दोनों संवाद करते हैं, जो उनकी परेशानी होगी उसको सुनते हैं, उसका निराकरण करूंगा। अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तब मुझे किसी तीसरे की आवश्यकता होगी, और मेरे गार्जियन ने इसको बखूबी, मेरे इस बात से सहमत हुए, सभी गार्जियन से मेरे से बात की, जिसको जो आवश्यकता थी, जो परेशानी थी, उसका मैंने निदान भी किया और वो मेरे साथ खुश हुई है। और सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ कि इस दौरान थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान का भी ह्रास हुआ। मैं पेरेंट्स को भी एक सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चे के सामने बैठ के हमारा मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि वो एक डिसरिस्पेक्ट करने के लिए आप उसको प्रेरित कर रहे हैं हमको, क्योंकि आप देख लीजिए कि आज तक गुरु द्रोणाचार्य को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई कि उन पर यह था कि बिना शिक्षा दिए उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा ली, ठीक है। तो हम भी अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे होते या आपके बच्चे के लिए कुछ भी संघर्ष नहीं कर रहे होते तो शायद हम भी नहीं मानते आपसे, ठीक। और मानने के दौरान भी मेरा बस इतना ही कहना था कि जिस तरीके से 10 सालों से आपने हमें साथ निभाया, हमारा कोई भी परेशानी थी हमारे साथ बैठिए, हमसे बात करिए, और हम दोनों का सम्मान तभी है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ, और शिक्षा के बिना आपके बच्चे का जीवन अधूरा है, और मन में ऐसा कोई कलेश आए तो आपके भविष्य के साथ अच्छा नहीं होता। तो मेरा तो बस यही एक सलाह है कि इस परस्पर बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग पैदल सफर करके अपने घरों को पहुंचे, हर वो पुरानी चीज उन्हें याद आई इस लॉकडाउन के दौरान जिसको उन्होंने छोड़ दिया था, उस गांव ने उनको नहीं छोड़ा था, उस गांव को उन्होंने छोड़ दिया था, और वो कभी वहां जाना नहीं चाहते थे, वहां के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे। तो उनको भी सोचना चाहिए कि जिस जगह से सब कुछ लिया है उस जगह को दिया जाए। मैं जरूर अपने गांव नहीं गया, लेकिन मैं कन्नौज में रहते हुए जो भी मुझसे बन पड़ा इस कोविड के दौरान अपने लिए, अपने एम्प्लाइयों के लिए और आने वाले राहगीरों के लिए, वो मैं करता रहा और आगे भी करता रहूँगा। मतलब बहुत अलग तरीके से आपने चीज़ों को बताया और बहुत ब्रीफ तरीके से आपने डिटेल किया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी सबके लिए दिक्कत थी और सबको मिलके आगे बढ़ना था, बिल्कुल सही बात है। सो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। और हमारी ये कोशिश है, ये है इसलिए है कि हम स्कूल के बारे में भी लोगों को बताएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की जो इमेज बन गई है, हमारी कोशिश ये है कि प्राइवेट स्कूल के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, सबको ये बात पता है, लेकिन लोगों को इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तो ये कोशिश एक छोटी सी हमारी है। तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए भैया, और हमारी बस यही दुआ है कि आने वाले टाइम पे चीज़ें नॉर्मल हो और वापस से स्कूल पूरा भरा पूरा दिखाई दे। बिल्कुल, आप अच्छी सोच रहे हैं और हम भी इसी पॉजिटिव साइन के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे दिखने भी लगा है क्योंकि गार्जियंस के साथ 10 महीने उनके बच्चे रहे हैं, तो उन्हें भी स्कूल भेजने की एक नई जुनून है और नई खुशी है, और हम उन बच्चों का एक नए माहौल में और नए तरीके से स्वागत करेंगे, और उम्मीद है कि आगे नए आयाम शिक्षा के जगत में सभी स्कूल मिलकर खड़ा करेंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छा माहौल बनेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू।